हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल SPT999। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डॉस के बारे में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने एक लेक्चर पहले से बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। इन शॉर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के लिए मास्टर रोल प्ले करता है, यानी आप इसे मास्टर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और उन्हें मैनेज करता है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि वही सभी ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज में डॉस एक कैरेक्टर यूजर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IBM के माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए कंपेटिबल था, जिसे 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया था। ये एक कैरेक्टर यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सभी ऑपरेशंस के लिए हम कैरेक्टर्स का या कीबोर्ड का यूज करते हैं, इसमें माउस का कोई यूज नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स नहीं होते हैं। डॉस एक सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, सिंगल प्रोसेसिंग और सिंगल प्रोग्रामिंग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिंगल थ्रेडिंग OS भी कहलाता है, यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड प्रोसेस होता है या एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म होता है। इसमें एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है। डॉस काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए, और इसका आज भी काफ़ी यूज़ किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर्स में। डॉस कई सारी बड़ी और इम्पॉर्टेंट फाइल्स का कलेक्शन है। ये फाइल्स अपने आप में छोटे छोटे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिनका कलेक्शन ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिन्हें डॉस के पार्ट्स कह सकते हैं। तो डॉस के पार्ट में io.sys, ms.dos.sys, config.sys, command.com और auto.exec.bat नाम की कुछ फाइल्स आती हैं। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं सभी फाइल्स का कलेक्शन है। किसी डॉस बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी को इनमें से किसी न किसी फाइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर फाइल्स के पर्पस की बात करें तो io.sys इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए होती है। ms.dos.sys जो डॉस के कर्नल को कंटेन करती है और सभी रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। config.sys जो कॉन्फ़िगरेशन हैंडल करता है डिवाइसेस के। command.com यूजर इंटरफेस है, जो यूजर के सामने ओपन होता है, यूजर जिन पे अपनी कमांड्स इनपुट करता है या यूजर को जो आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। कंसोल स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके सामने आती है, यूजर के सामने आती है, तो वो command.com के नाम से है। और जितनी भी कलेक्शंस हैं कमांड्स के, वो सभी auto.exec.bat फाइल के अंदर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉस एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मींस माउस का कोई यूज़ नहीं है, हम सारे वर्क, सारे ऑपरेशन, सारे इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके देते हैं या कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो जिन कैरेक्टर्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, उन्हीं को कमांड्स कहा जाता है। सो कमांड इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स असाइन फॉर एनी टास्क। डॉस में या किसी भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन करके रखे गए हैं, उन्हीं सेट ऑफ कैरेक्टर्स को कमांड कहते हैं। तो हर एक ऑपरेशन के लिए कोई ना कोई कमांड है। जैसे इन कमांड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। सिस्टम ऑन होने के बाद जो कंसोल स्क्रीन आती है डॉस की, जहाँ पे हम सभी कमांड्स पास करते हैं, जिसे अभी हम command.com के नाम से पढ़ रहे थे, कुछ कमांड ऐसी हैं जो उस command.com का हिस्सा है, मतलब उस फाइल के साथ अटैच्ड है, तो उनको इंटरनल कमांड कहते हैं। और ये कमांड फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि command.com के साथ ही रैम पे लोड हो जाती हैं। उनमें से जैसे टाइम है, डेट है, CLS है, या इस तरह की सारी कमांड्स जो इंटरनल कमांड कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ कमांड जो command.com के साथ लोड नहीं होती है, अंदर auto.exec.bat फाइल के अंदर पड़ी हुई है, हम उन्हें जब टाइप करके कॉल करते हैं तब वो कमांड एग्जीक्यूट होती हैं, कॉल होने के बाद लोड होती हैं रैम पे, फिर एग्जीक्यूशन करती हैं। तो ऐसी कमांड्स को हम एक्सटर्नल कमांड कहते हैं, और ये कमांड स्पीड में स्लो होती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ इंटरनल कमांड्स। सो दीज कमांड्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल कमांड्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ये था डॉस का इंट्रोडक्शन। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।